नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। अभी जो बड़ी खबर जो छन छन के आ रही है, और वो सबसे बड़ी खबर है, आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है। रघुवंश प्रसाद आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। वो काफ़ी दिनों से आरजेडी के काम करने के तरीके से नाराज चल रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा झटका है आरजेडी का। बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़ी अच्छी पकड़ है जनता में इनकी, और बड़े प्रतिष्ठित नेता माने जाते हैं आरजेडी के। उन्होंने अपने सारे पदों से, मैं आपको बताते चलूं, अभी जो खबर छन छन के आ रही है, उन्होंने जो अभी खबर मिली है उससे रघुवंश प्रसाद ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये आरजेडी को बहुत बड़ा झटका है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा इलेक्शन आने वाला है। एक इलेक्शन आने वाले समय में, ऐसे समय में उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिससे आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी खबर है, और ये आने वाला समय बताएगा कि रघुवंश बाबू के इस्तीफा देने से यहाँ की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है यहाँ की राजनीति पे। मैं आपको फिर एक बार बता दूँ, रघुवंश प्रसाद ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है, और ये आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। ये बड़े पद पे थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इन्होंने अपने सारे पदों से, फिर मैं आपको बता दूं, ये ब्रेकिंग न्यूज है अभी का, रघुवंश बाबू ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है, और ये बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिणाम लेके आएगा। इसके परिणाम क्या होंगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो खबर है वो ये है कि रघुवंश बाबू ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है।